हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की हमारे इस नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में दोस्तों मैं बताने वाला हूँ दोस्तों कैसे दोस्तों अपने वीवो के फ़ोन में दोस्तों हम सिस्टम नेविगेशन सेटिंग को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों आप अपने वीवो के फ़ोन में सिस्टम नेविगेशन सेटिंग दोस्तों आप कैसे यूज़ कर सकते हो, दोस्तों मैं फुल सेटिंग बताने वाला हूँ। आप कैसे गेस्चर सेटिंग यूज़ कर सकते हो और बटन नेविगेशन सेटिंग, आप दोनों सेटिंग आप कैसे यूज़ कर सकते हो अपने वीवो के फ़ोन में। दोस्तों बिना किसी देरी के सबसे पहले हम फ़ोन की सेटिंग पर क्लिक कर लेंगे और फ़ोन की सेटिंग ऑन होते दोस्तों यहाँ पर आपको लास्ट आ जाना है दोस्तों, सेकेंड लास्ट ऑप्शन में आपको सिस्टम सेटिंग पे। तो सब ऐसे इस पर क्लिक करोगे सबसे पहले दोस्तों आपको सिस्टम नेविगेशन सेटिंग देखने को मिल जाएगी, तो आपको इसी पे क्लिक कर लेना है। और दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम इसको गेस्चर सेटिंग्स पे सेट कर लेते हैं। और दोस्तों कुछ सेकंड बाद आपके फ़ोन पे गेस्चर सेटिंग्स इनेबल हो जाएगी। और दोस्तों यहाँ पर आप थ्री बटन यूज नहीं कर सकते। और दोस्तों या तो आप इसको राइट साइड से या दोस्तों आप लेफ्ट साइड से इसको बैक कर सकते हो अपने फ़ोन में। दोस्तों आप बैक बटन को यूज़ कर सकते हो, जैसे कि दोस्तों हम डिस्प्ले सेटिंग में और आप इसको पैक करना चाहते हो सेटिंग को, आप या तो राइट साइड से कर सकते हो दोस्तों, या फिर दोस्तों यहाँ पर आप लेफ्ट साइड से स्वाइप करोगे तो आप यहाँ पे बैक बटन को यूज़ कर सकते हो। और दोस्तों ये जो लाइन दिख रही है आपको दोस्तों, आप इस पर इस तरीके से प्रेस करके रखोगे दोस्तों, आप किसी भी ऐप को इस तरीके से आप क्लोज कर सकते हो रिसेंट ऐप को। जैसे दोस्तों आपने यहाँ पे प्ले स्टोर को ऑन करा, आप इस तरीके से इसको क्लोज कर सकते हो। दोस्तों आप यूट्यूब को ऑन कर लेते हो और आप यूट्यूब क्लोज करना चाहते हो, यहाँ पर आप इसको इस तरीके से क्लोज कर सकते हो। दोस्तों ये आपके फ़ोन की गेस्चर सेटिंग्स है, आप इसको इस तरीके से अपने फ़ोन में यूज़ कर सकते हो ऑन करने के बाद राइट और दोस्तों लेफ्ट साइड बैक बटन, और दोस्तों ये क्लोज ऐप बटन का काम करेगा आपका। और दोस्तों आपके फ़ोन में गेस्चर सेटिंग्स है और आप इसको हटाना चाहते हो अपने फ़ोन से, आप बटन नेविगेशन को सेट करना चाहते हो। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको दोस्तों दोबारा से फ़ोन के सिस्टम सेटिंग पे क्लिक कर लेना है दोस्तों। और फिर दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको सिस्टम नेविगेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पर दोस्तों आपको बटन नेविगेशन पे क्लिक कर लेना है। अब दोस्तों आप देख सकते हो हमारे फ़ोन में बटन नेविगेशन यहाँ पे शो हो जाते हैं और यहाँ पर दोस्तों राइट या लेफ्ट साइड दोस्तों हम बैक नहीं हो सकते। अब दोस्तों हमारे फ़ोन में यहाँ पे बटन नेविगेशन शो हो रहा है, तो हम यहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं अपने बटन नेविगेशन को। और दोस्तों आप इसके स्टाइल को अगर आप चेंज करना चाहते हो अपने वीवो के फ़ोन में, जो दोस्तों यहाँ पर आपको थ्री बटन नेविगेशन दिख रहे हैं, बैक बटन है, ये होम बटन, तो आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, आप यहाँ पर दोस्तों आप डायरेक्ट सर्च कर लो नेविगेशन सेटिंग। दोस्तों यहाँ पर आपको नेविगेशन सेटिंग यहाँ पर इस तरीके से सर्च कर लेना है और आपको थ्री बटन नेविगेशन पर क्लिक कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको स्क्रॉल कर लेना है। दोस्तों पहले तो ये देख सकते हो आप इसको इस साइड में चेंज कर सकते हो लेफ्ट साइड में। अब दोस्तों आप लेफ्ट साइड से बैक हो सकते हो और आप इसके अब स्टाइल को चेंज करना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पर दोस्तों दो तरीके के स्टाइल हैं, यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे, एक दोस्तों ये फर्स्ट वाला है और ये सेकेंड वाला है, तो आप इसके स्टाइल को यहाँ से चेंज कर सकते हो। अगर आपको ये वाला स्टाइल पसंद है और आप इसको दोस्तों राइट साइड में सेट करना चाहते हो, यहाँ पर आकर आप इसको राइट साइड से भी बैक बटन को यूज़ कर सकते हो। दोस्तों आप अपने बैक बटन को लेफ्ट साइड से यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ पर आप लेफ्ट साइड से यूज़ कर सकते हो। दोस्तों आप इस तरीके से अपने फोन में सिस्टम नेविगेशन सेटिंग दोस्तों आप यूज़ कर सकते हो। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों कोई भी डाउट हो वीवो फोन की सेटिंग को लेकर आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाय बाय दोस्तों।